नमस्ते फ्रेंड्स, एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कुमड़ा का लड्डू बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाता है और इसको बहुत ही आसानी से इस तरह से आप लोग लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इस बार मैंने कुछ भी काजू बादाम नहीं डाला है, लेकिन देखने में काजू बादाम जैसा लगता है। आइए आप बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कुमड़ा लिया है इस तरह का। अब मैं इसका ऊपर का डंठल इस तरह से कट कर लूँगी, देख सकते हैं इस तरह से, और नीचे का हिस्सा भी इस तरह से मैं कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों साइड कट कर लिया है। अब मैं बीच से इस तरह से दो भाग कर लूँगी, फिर इसे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लूँगी इस तरह से, देख सकते हैं। और इसका मैं ऊपर का छिलका उसका छील लूँगी। इसका छिलका थोड़ा है, ज़्यादा मोटा ही छीलना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं होता है लड्डू बनाने के लिए, देख सकते हैं। इसी तरह मैंने सारा छिलका निकल लिया है। अब मैं बीज का इस तरह से जो बीज होता है उसका हिस्सा मैं निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैं और बचा हुआ का भी निकाल लूँगी, देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे इस तरह से फिर से बीच से इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल है, उस पर मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। 3-4 बार धो के मैंने इसको एक प्लेट पर रख लिया है। अब मैं इसे वाले कटर पर इस तरह से ग्रेट कर लूँगी, यानी आप लोग कद्दूकस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने सारा इसका कद्दूकस कर लिया है। मैं इसका अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी, क्योंकि इस कुमड़े पर बहुत ही पानी होता है, इस तरह से निचोड़ना है, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, देख सकते हैं इससे कित ज़्यादा पानी निकल चुका है। मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 स्पून घी। आप लोग रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं इसे डाल दूँगी और इसको कम आंच में फ्राई करूँगी, क्योंकि इसका जितना भी कच्चापन है ये चला जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको फ्राई करते रहूँगी जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता है। फ्रेंड्स, मैं इसे एक बाउल में डाल दूँगी। ये हमारा फ्राई हो चुका है, बाउल में डाल दिया है, देख सकते हैं। फिर से मैंने कढ़ाई को रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है। अब मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पिघल लूँगी इस तरह से, देख सकते हैं। पिघलने के बाद इसे इस तरह का होना चाहिए, देख सकते हैं हमारा हो चुका है। अब मैं ये डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखा था कुमड़ा को। डालने के बाद इसी तरह से मैं इसको चलाते रहूँगी, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4-5 इलायची को कूट के डाला है, डालने से बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं इसी तरह से इसको चलाते रहूँगी फ्रेंड्स, जब तक ये पूरा गाढ़ा ना जाए। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊँगी, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा वाला थोड़ा थोड़ा पीसेस दिख रहे हैं, ये कुमड़ा का ही पीसेस है। लेकिन आप लोग लड्डू बनाकर देखेंगे तो ये पूरा काजू बादाम जैसा लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये काजू बादाम नहीं है फ्रेंड्स, ये कुमड़ा का टुकड़ा है। देखिए ये हो चुका है, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से लड्डू बनाऊँगी। इसको गर्म गर्म ही बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा एक लड्डू हो चुका है। इस पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो कुमड़ा का टुकड़ा था इसमें ये काजू बादाम जैसा दिखाई देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सारा कुमड़ा का लड्डू बना लिया है। आप लोग कितनी आसानी से इस तरह से कुमड़ा का लड्डू बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड्स, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को ये काजू बादाम जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काजू बादाम नहीं है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कुमड़ा को कट करके लिया था। और इस रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।